रामपुर में पिछले कुछ दिनों से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिजली चेकिंग के नाम पर लोगों से जमकर धन की वसूली कर रहे हैं, जिसमें गरीब जनता में भय का माहौल है। बिजली विभाग की अवैध वसूली के खिलाफ आज व्यापार मंडल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया। रामपुर बिजली विभाग द्वारा चेकिंग अभियान में हो रहा जनता का उत्पीड़न और अवैध वसूली के खिलाफ आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल अपने दर्जनों व्यापारियों के साथ अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचे और उनको ज्ञापन दिया। भ्रष्ट अधिकारी, ये 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 भ्रष्ट अधिकारी, व्यापार मंडल जिंदाबाद। हम पर आ जाते हैं, वो साहब कहे आए और वो एक जगह बैठ करके सेटलमेंट हो रहे हैं और मोटी मोटी रकमों के लेन देन हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है, दूसरी चीज यही साल होते हैं, वो एसडी होते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं, तो चेकिंग होती है, पहले उसके बाद तो बैठ जाते हैं, आपको मालूम है आपके बाद। दूसरी चीज ये है, रसीद चढ़ी हुई है, हर महीने बिल जमा होता है, इनकल्टी की पता, और ये बता दिया कि इनका जो है कटिया कनेक्शन है, केबल डाल के चोरी है। जिस व्यक्ति के ऑलरेडी मीटर ही नहीं है वो केबल क्यों डाल दीजिए। ऐसा व्यापारियों की जो मेन शिकायत है, एक तो यह है कि कुछ जगह कनेक्शन देने में दिक्कत हो रही है लोगों को, तो उसके लिए हमने कहा है कि भाई कनेक्शन देने में हम कैंप लगवाएंगे हफ्ते में एक या दो हर एसडीओ के यहाँ, ठीक है। और कोई अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसको जनरल बात ना कह के कि भाई यहाँ तो सभी लोग चोर रहे हैं, ऐसा ना कह के आप जो है हमें सबूत दीजिए, हमें पार्टिकुलर शिकायत दीजिए, कोई रिकॉर्डिंग हो दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे नियमानुसार, उसमें किसी को बख्शेंगे। चेकिंग के नाम पर, चेकिंग नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर भ्रष्टाचार का मसला है चेकिंग पे, हो कोई सबूत होगा जब तक, ऐसे कोई भी कह देगा या तो मुझे भी कह दोगे आप चोर हो, ऐसे नहीं होता है, आप बताइए, साक्ष्य देंगे तो कार्रवाई। अच्छा, अभी ये व्यक्ति जो बिजली चोरी पे, बिजली चोरी रोकने का अभियान यहाँ पे इसमें चलाया जा रहा है रामपुर टाउन में, क्योंकि यहाँ पे जो बिजली चोरी है वो लगभग 50% के आसपास है, जो कि पहले कभी अभियान नहीं चलाया गया, तो इसमें बंद को कष्ट होगा ही,